क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा पढ़ो पढ़ो जी। गुरु रविदास महाराज जी कहते पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए जी। और महाराज कहते विद्या कारण जिहड़ा साडा ज्ञान का दीवा ना जी वह मलीन हो चुका जी। जिन्होंने नशा आया साडे देश का, जिन्होंने नशा आया गरीबां दे दर्द का, जिन्होंने नशा आया अपने दूसरों के भी की हो रहा हूँ साढ़े इन्ने अत्याचार हो रहे नौजवान बच्चिया बेटिया तड़फा तड़फा के मारिया जा रहा किथे कंजकां बिठाउंदे आ जी कंजकां बिठा के उन्होंने मत्था टेक दे भी देवी आ ते इधर कहते कि बच्चिया इन्हां दी विद्या पढ़ाओ ते इन्हां नूं अपना उच्चा सुचा जीवन दिओ जी तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चाहे जो किथे गया सरकारां दा नारा किथे मरना धर्म तो कौम की शान हुंदी नित मरदे ने लोग हज़ार मियाँ जेड़े मरदे ने कौम की शान खातर लोग करदे ने सदा सत्कार मियाँ मक्खन लुहार आखे चंगे कर्म कर लै तू केड़ा जागी उत्ते जमना वार वार मियाँ तू केड़ा जागी उत्ते जमना बार बार मियाँ। जनतक टीवी देख रहे सारे ही स्रोतियां नू मेरे वलों जय गुरदेव जय भीम वाहेगुरू जी का खालसा श्री वाहेगुरू जी की फतेह। साथियों मैं थोड़ा अपना गायक कमल तलन। सो जिमें कि तुसी जनतक टीवी इन्ना माण और इन्ना सन्मान देंदे हो और आओ सोच नूं बधाइए प्रोग्राम नूं भी आस करदे हां तुसी माण और सन्मान दोगे। हर साल की तरह इस साल भी असी जनतक टीवी के जरिए आओ कौ सोच नूं बधाइए प्रोग्राम लैके हाज़र होए हैं और आओ आप अज डेरा बाबा प्रीतम दास जी रायपुर रसूलपुर बाबे जोड़े मौजूदा गद्दीनशील संत महापुरश जिन्हां ने हमेशा समाज के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के चले ने और जिथे भी समाज में महापुरशों की लोड़ पई हमेशा महापुरशों ने समाज के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा ला के चले और महापुरशों ने हमेशा समाज की अगवाई की। अगे हो के संत निर्मल दास जी महाराज आओ आप महाराज जी के नाल गलबात करते हैं। महाराज जय गुरदेव जी। धन गुरदेव। महाराज जनतक टीवी की टीम एक प्रोग्राम लैके आई है जिहड़ा प्रोग्राम है आओ सोच नूं वधाइए। सब तो पहला तुसी जनतक टीवी के जरिए समाज के अंदर की संदेश देना चाहते हो? सब तो पहला मैं जनतक टीवी टीम का और कंबल तलन जी का बहुत बहुत इत्थे आउण ते स्वागत करते हैं और मालक के चरणों में अरदास करते हैं कि तुसी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की मालक थोड़े दे शुभ आशीर्वाद प्रदान करे शीश ते मेहर भरिया हाथ रखे ताकि साड़ियाँ जो बड़बड़िया पलंघा आ बड़बड़िया लांघा जो है असी इन्हों लैके सफ़र कर रहे हैं तो उन्होंने वो सफ़र च साडे मालक अंग संग होवे और साडे सफ़र नूं बहुत ही सुख शांति दे नाल जो साडा ये मार्ग आ जो असी लैके चले हाँ वो गुरु पातशाह दे चरणा च अरदास करते हैं कि पातशाह कृपा करनिया रहमतां बख्श करनिया हर भाव हर पासे आप जी ने साडे नाल चलना और साडे इस प्रोजेक्ट नूं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की बख्श करनी। सो अज बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा तुसी साडे कोल आए हां। महाराज जी शुरू करते हैं कि गुरु रविदास महाराज के बेगमपुरी के संकल्प तो लैके तुसी समाज के अंदर समाज की अगवाई कर रहे हो और समाज के अंदर तुसी विचरदे हो और अथाह प्यार समाज तुहानूं करदा तुसी आशीर्वाद रखदे हो। महाराज गुरु रविदास का जिहड़ा बेगमपुरे का संकल्प सी जिसनों गुरु रविदास जी ने कहा कि बेगमपुरा शहर को नाओ, महाराज जिहड़े शहर की गल गुरु रविदास करके गए कि इदां दा शहर इस देश के अंदर वसना चाहिए जिस दे विच कोई जात पात ऊंच नीच ना होवे और सारयां नूं समानता स्वतंत्रता भाईचारे की गल जिहड़ी गुरु रविदास महाराज गल करके गए आ उहदे बारे ये जिहड़ा बेगमपुरा उह किवें संभव है इस देश के अंदर? देखो बेगमपुरा कोई इट्टां दा नहीं बनिया होया ना किसी धादा बनया होया मालक ने सानू संबोधन करता कि थोड़ी जिंदगी इदा दी होनी चाहिए आ बेगमपुरे की तरह कोई थोड़ी जिंदगी विच गम नहीं होना चाहिए और कोई थोड़ी जिंदगी दे विच परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जे असी सफ़र करना आ बेगमपुरे का तो उहदा मतलब है जो असी संसार ते चलने आ काम करते हैं तो साडा जिहड़ा पैर पुटिया होया वो मोहरे जबरदस्ती मतलब बड़े जोर दे नाल लग जाए
तो फिर ये पिछला पैर अगे लिया चाहिए। तो असी अज साडा ये सफर आ कि असी ना तो साडा मूहरे पैर टिक रहा और ना पिछों भी चुक लेंगे और मूहरे पैर नहीं लगता उलट के डिग पैंदे। तो ये बेगमपुरा नहीं है, बेगमपुरा है सोच का नाम जी। जो तक साडी सोच नहीं बदलती जी, किसी का रुख बदला तो किनारे बदल गए जी। तो महाराज कहते कि नजरे बदली तो नज़ारे बदल गए। जो अपना नजर बदल दी ना तो फिर वो नज़ारे वक्रे हो जाते हैं। तो साड़ी मालक ने सानू जिंदगी दी है, मालक ने सानू समा दिता है कि आप भी बेगमपुरे च रहो तो दूसरों भी बेगमपुरा बसा के दो ताकि वह भी थोड़िया पैड़ा थोड़ा जीवन थोड़ा जो चलन है वनू देख के दूसरे भी उसनू अपनाउन ते वह भी इस पांधी इस मार्ग के पांधी बन जान। तो गुरु महाराज ने सानू बहुत ही विस्तार दे नाल अपनी बाणी द्वारा भी दस्या, अपने जीवन बारे भी दस्या कि मेरी मेरी जात कमीनी पात कमीनी होशा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चमारा। तो ये होशा जन्म जो है उहदे विच मेरा जन्म होया, होशा जो जो गरीब लोग है उन्होंने घर च मेरा जन्म होया, लेकिन मेरी जो सोच है ना वो गरीब नहीं है। महाराज कहते नीचा अंदर नीच जात नीची हूँ अत नीच, नानक तिनके संग साध बड़िया स्यों क्या रीस, जिथे नीच संभालियन तिथे नदर तेरी बख्शीस। तो फल जिहड़े हैगे आ बड़े बड़े रुखां नूं नहीं लगदे जी, सिंबल रुख सराय का जिहड़े होमै दे भरे होए आ कदे उहनां नूं फल नहीं लगदे। अज होमै दे इन्हां नूं चक्करां नूं लै के अज संसार भी दुखी आ और संसार भर दे लोक भी दुखी आ, क्योंकि होमै दीर्घ रोग है दारू पी समाहे। जे दीर्घ रोग आ होमै दा ते इहदे विच दारू जो है वह भी मालक कहिंदे कि निम्रता दा दारू जी। जदों तक असीं निम्रता नहीं धारण करदे और दू गुणग्रही नहीं बनते, असी किसी को गुण ही नहीं लेंगे जी, असी किसी संगत ही नहीं करते, असी किसी के बुरे नमस्कार ही नहीं करते, असी किसी को सत्कार ही नहीं देंगे। तो असी अगे कि बढ़ांगे जी। साडा मार्ग है धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी को बुढ़भागी पावे। जो तक असी इन्हां लोगों की संगत नहीं करते, जो बुद्धि बहुत साढ़े बुद्धिमान लोग है पढ़े लिखे लोग है सोझी वाले लोग है, जब तक असं उन्होंने संगत नहीं करांगे तो सानू इस मार्ग का पता नहीं लगेगा। साड़ी सोच कभी भी नहीं बदल सकती, साड़ी सोच तद ही बदलनी आ जिन महाराज कहिंदे कि नाथ ही हाल पे अपने जिस दम नज़र। जदों तक अपने जीवन के बंदा नज़र नहीं मारदा, नाथ ही हाल पे अपने जिस दम नज़र रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, असं उदों तक दूसरों के गुनाह देखते रहे, दूसरों दियाँ झोलियां फोलते रहे, दूजे पास देखते रहे, जो तक असी सानू अपने नहीं पता लग्या। नाथ ही हाल पे अपने जिस दम नज़र रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, असी दूसरों के गुनाह देखी जा रहे हैं। तो साढ़े महापुरश कहते कि करोड़ा रुपया ला के सीस महल बना दो, लेकिन वह कीड़ी ने थोड़े सीस महल वो करोड़ा रुपया नहीं देखना, हूँ तो एक तेड़ देखनी, तेड़ देखनी। तो दुनिया की जी सोच है ये साड़िया कमजोरिया देखेगी, साढ़े साढ़े बने हुए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ लोगों के हित वास्ते उन्हें देखने, साड़िया कमजोरियां देखनिया। तो महाराज जी कहते नाथ ही हाल पे अपने जिस दम नज़र रहे देखते लोगों के ऐबो हुनर, पड़ी अपने गुनाहों पर जिस दम नज़र। जो अपनी अपनी सोच बदली तो फिर सानू पता लगा तो उत्थे ही खड़े हैं, उत्थे खड़े हैं, असं दूसरे नू देख रहे हैं कि वह की करता आह की करता, वह कहते तेनू उन्होंने नाल की सीस महल बनाया करोड़ों रुपये ला के किसी ने बनाया, जे वह कीड़ी जो है वह त्रेड देख रही है ते कीड़ी नूं ओह त्रेड़ दे नाल है कि मैं कित्थे बड़ा, मैं कित्थे बड़ा। इस करके जिहड़े कमजोर सोच वाले आ वो देखदे कि मैं इहनां ते किद्दां हावी होवां जी, मैं वो साडी जिहड़ी देखदे आ सानूं कमजोरी देखदे भी कित्थों ना घड़ा जिन्ना मर्जी पानी दा भरिया होवे, लेकिन जिहड़े उद्दां दे लोक आ पत्थर मारन दी कोशिश करदे आ कि इहदे च पानी रहे ना। ते जिहड़े चंगी सोच वाले लोक आ, डॉक्टर साहब जी ने किन्नियां डिग्रियां अपने जीवन दे विच लईयां, असली बेगमपुरा वो आ जी, अपने कपड़े धो के अपने बुद्धि रूपी कपड़े धो के दूसरों के साफ कर दे जी। और उन्होंने ये कोशिश की अपना जीवन साफ किया, उहदे विच परेशानियां आईयां, किन्नी पढ़ाई की विदेशों में की जाके एक अपनी सोच बदलने वास्ते, पर जो उन्होंने सोच बदली फिर उन्होंने कहा भी असं इन्हों की भी सोच बदलनी है जी। पर उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिता दूसरे की सोच बदलने वास्ते, और उदों सोच लोगों की नहीं बदली जी, ते हुण तक भी नहीं बदली। तो हुण कोशिश करते हैं लोग जिन्हां नूं सोझी आई है कि डॉक्टर साहब ने सानूं बड़ा वड्डा सागर दिता, असी उस सोच के नाल जुड़िए जो डॉक्टर साहब ने सानूं दित्ती है, गुरुदास महाराज ने दित्ती है, जो साढ़े महापुरशां ने दित्ती है, गुरबाणी बाणी दित्ती है, उहदे नाल जुड़ के अपना जीवन उच्चा सुच्चा बनाईए तां साडा जो है वो सोच बदलेगी। तो महाराज कहिंदे कि जदों अपने गुनाहां वल देखिया ना तो फिर सानूं पता लग्गिया जी।
कि अपना जीवन किदा उच्चा सुचा बन सकता। वो कहिंदे अपने तो शुरू करो, जे असीं दिल्ली नूं जाणा तां इत्थों पुछांगे किन्ने किलोमीटर है दिल्ली जी, ते दिल्ली जिथे बैठा उत्थों मिहनती होएगी, ना कि सानूं देख वी तूं बैठा किथे आ, जिथे पुछ रहा वी इत्थों दिल्ली किन्नी दूर आ, वो जिथे बैठा उत्थों ही शुरू होएगी, ना कि इधरों हुशियारपुर तों ना उधरों, क्योंकि मैनूं इत्थों लोड़ आ। इस तरह अपने तो ही मार्ग जदों बंदा शुरू करदा, अपने तो ही जीवन शुरू करता, फिर ही दूसरों तक पहुँचता, फिर ही पता लगता। इस करके अपनी सोच बदलना बहुत जरूरी है। और गुरु लोगों ने भी कहा, महापुरशों ने भी कहा, डॉक्टर साहब ने भी कहा, बाणी ने भी कहा, संत महापुरशों ने भी कहा, भाई अपने आप को बदल, जो तक तू बदलता नहीं उदों तक तेनू ये तू जो तक तू नहीं बदलता उन्हें चे लोगों को नहीं बदल सकता। पर बाबा साहब अंबेडकर की आप गल की है कि उन्होंने विदेशों के पढ़ाई की डिग्रियां बाबा साहब अंबेडकर साहब ने कीतियां, पर बाबा साहब अंबेडकर साहब वो जोत हुई है जिसनों के तकरीबन बुझाने की कोशिश की गई है। और अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1891 इस धरती पर आए, तो बाबा साहब अंबेडकर साहब 6 दिसंबर 1956 ईस्वी इस दुनिया को अलविदा कह गए शरीरक तौर पर। तो महाराज अज उन्हां दी जिहड़ी सोच है, उन्हां दी सोच सी कि मेरे समाज के लोग पढ़न अगे वधन और पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, जिहड़ी गल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की सी। और उन्हां दी सोच ते चलदे तुसीं भी महाराज जी एक स्कूल चला रहे हैं, श्री गुरु रविदास पब्लिक स्कूल। और कि महाराज समाज के अंदर जिहड़े पढ़े लिखे लोग है, कि जिहड़ी पहला गल सी कि समाज नूं पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे ने, महाराज कि अज वो इस देश के अंदर उही समाज के अंदर खास करके वो चीज़ लागू हो रही है। ये साडे समाज दे विच हैगी है जी, साडे समाज विच भी हैगी है और साडे महापुरशां विच भी हैगी है जी। क्योंकि जे साडे महापुरशां दे अंदर सो ये बदल जावे तो समाज दी अपने आप बदल जानी है जी। तो जो अज असी ये प्रोजैक्ट लैके चले हाँ जी, जो पढ़ाई का जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा पढ़ो पढ़ो जी, गुरु रविदास महाराज जी कहते पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए जी, और महाराज जी कहते विद्या कारण जिहड़ा साडा ज्ञान दा दीवा ना जी वह मलीन हो चुका जी अज्ञानता दे कारण। पढ़ाई जिन्होंने नहीं पढ़े, जिहड़े नहीं ज्ञान जिन्होंने होया, उन्हां दा ज्ञान दा जो दीवा ना वह मलीन हो चुका, मलीन हो चुका। तो किदा तो होएगा विद्या दे नाल, विद्या दे नाल, साबण दे नाल ही धोता जाणा जी, नहीं ना किसे होर जतन नाल धोता जाणा। असीं जा मत्थे टेकण लई टेकी जाइए तां नहीं होणा, जे असीं किते जा के उत्थे तीर्थ यात्रा करिए तां नहीं होणा, सानूं पढ़ने दे नाल होणा जी। और डॉक्टर साहब ने कोई तीर्थ यात्रा नहीं कीती, कोई उन्हां ने मत्थे नहीं टेके, उन्हें जो टेकया पढ़ाई वाल जोर दिता कि सब तो बड़ा ज्ञान जो है पढ़न दे नाल होना, मत्थे टेकन दे नाल नहीं होना। बिल्कुल जी, तो मत्थे टेके उन्होंने जिस वेले समाज गुमराह हो रहा सी, फिर उन्हें मत्था भी टेकया, मत्था भी टेकया, उन्होंने समझ के फिर मत्था टेकया जी। पहला नहीं टेकया, पहला ज्ञान प्राप्त किया जी। और जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वो देखा भी मेरा समाज ये किस तरह बदलेगा जी। एक सोच लियाई इन्हों की, उन्होंने सोच किन्ने हज़ारा की तादाद के उन्होंने अपनी कोशिश की, मैं एकदम इन्हों बदल देव, पर मूहरे बदलने वाले नहीं सी। उन्होंने जवाब दे दिता, उन्होंने कहा मैं क्यों धक्के खाव, मैं इन्हों इस तरह कर दिना। फिर उन्होंने होर एक सोच बदली जी, तो वो फिर थानू पता भी कितने गए थे, कहना उन्होंने उन्होंने बदल के उस धर्म को अपनाया, पढ़ के बनाया, इन्हें किसी से कहना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह लो जी उ संत बहुत वधिया रहिंदे, तुसीं जाके उत्थे मत्था टेक, नहीं मन मानिया तो हर जाने, जो उन्होंने मन मनिया फिर उन्होंने जाके मत्था भी टेकया जी, और जाके दीक्षा भी ली, उन्हें कोई शिक्षा भी ली, वो क्योंकि ज्ञान तो उन्होंने अगे बहुत सी, बिल्कुल फिर उन्होंने शिक्षा ग्रहण लैन की लोड़ सी। पर अध्यात्मिक जी शिक्षा है वो उन्होंने वो भी ग्रहण की, पहला जी व्यवहारक आ संसारक विद्या वो ग्रहण की, फिर व्यवहार किया, फिर उन्होंने अध्यात्मक लिया जी। तो फिर परमार्थ वाल गए, वो परमार्थ वाल भी गए, ये नहीं कि परमार्थ बिना लोगों का पढ़ी जाओ जी पढ़ी जाओ, वो कहते पढ़े गुने क्या होए जो सहज ना मिले सोए, तो उन्होंने सहज अवस्था भी प्राप्त की महापुरशों को जाके, सहज अवस्था भी अपने आप का ज्ञान तो उन्होंने पहले ही बहुत सगा, लेकिन उन्होंने धार्मिक विद्या भी ली और पढ़ के उन्होंने उस विद्या भी अपनाया, क्योंकि वो कहते भी जिन्ना मर्जी असी पढ़ लीए इस विद्या की भी लोड़ है, अध्यात्मिक विद्या की भी लोड़ है, धार्मिक विद्या की भी लोड़ है, असी तद ही धार्मिक बन सकते हैं जे सानू धार्मिक चिन्ह मिले, जो वो मार्ग मिले जी। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके विदेशों में जाके, मेरा ख्याल 31-32 मैं 33 डिग्रियां उन्होंने डिग्रियां हासिल कीतियां,
वो अपने 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 देश वास्ते उन्होंने देश के इतने लागू किया सारा कुछ उन्होंने उत्थे नहीं रहे वो साडे लोग तो जो जाते तो अपनी रोजी रोटी के उत्थे मकान मकून पा के बैठ जाते हैं कि मैंने लोड़ नहीं पर दर्द से साडे भारत के जो लोग गरीब सके दलित सके कमजोर सके उन्होंने दिल से दर्द से कि मैं इन्हों का दर्द किस तरह ठावा तो इतने आ के उन्होंने बड़ी घालना कर ली और बड़े बड़े संविधान बनाए और बड़े बड़े किताबा लिखिया असि किताबा पढ़ रहे हैं हुण ते देख रहे हैं वो बहुत कुछ सानू मिल रहा कि जो जो कोई गुरु गुरु लोगों ने जो साडे कृपा की वो इन्हां द्वारा वो ज्ञान सानू मिल रहा जी। महाराज बाबा साहब अंबेडकर साहब के बच्चे उन्होंने अपना परिवार नहीं देखा अंबेडकर साहब ने बाबा साहब के बच्चे इस देश तो बिना कफन तो बाबा साहब के बच्चे जिहड़े इस दुनिया तो गए पर बाबा साहब अंबेडकर साहब ने साडे वास्ते और बाबा साहब ने करोड़ों बच्चों की होर जिंदगी बनाने की गल की है पर जी अज की जनरेशन महाराज थोड़ी नशियां वाल तुरी जा रही है और अज की जनरेशन जनतक टीवी के जरिए तुसी नशियां तो की कहना चाहते हो? असी अपने आप नहीं कहना चाहते असी तो गुरु लोगों की बाणी अनुसार कहना चाहते हैं कि देखो जे असी नहीं कुछ भी सानू कह रहे क्योंकि साडी सोच इन्नी है नहीं कि असी नशियां के बारे असी थानू कोई गलबात कहीए ये गुरु लोगों ने सानू कहा जी जो गुरु लोगों ने सानू कहा वो सारे विश्व से लागू आ क्योंकि गुरुआ की जेडे बंदा ना अपने माता पिता भाई भैन नू छड़ दिंदा लेकिन गुरु नहीं छड़दा जेड़ा गुरु वाला ना वो कहिंदा मैं अपना शीश तक दे सकदा पर गुरु का वचन नहीं मोड़ सकदा तो वो लोग घट सानू मिलदे आ। गुरबाणी विच महाराज ने गुरु रविदास महाराज ने अपनी बाणी च कहा कि जिहड़ी गंगा आ उहदे जल दा कदे शराब बनी होवे ते जिहड़े जिज्ञासु जाने मेरे प्यारे उधर देखते तक नहीं मतलब वो इस्तेमाल नहीं करते पीते नहीं तो जी इन्नी गंगा पवित्र मतलब मनी गई है साढ़े भारत के जल की शराब बना के बनाई जाए तो वह पिलाई जाए तो वह भी पवित्र आ तो वह कहने लगे नहीं जोड़े साढ़े गुरु महाराज के चरणों जुड़े हुए कि नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे जिन्हों नशा आ साडे देश का जिन्हों नशा आ गरीबों के दर्द का जिन्हों नशा आ अपने दूसरों के भी की हो रहा हूँ साढ़े इन्ने अत्याचार हो रहे हैं नौजवान बच्चिया बेटियां तड़फा तड़फा के मारिया जा रहा कितने कंजक बिठाते हैं जी कंजक बिठा के उन्होंने मत्था टेकते भी देवी है तो इधर कहते कि बच्चिया इन्हों की विद्या पढ़ाओ तो इन्हों अपना उच्चा सुचा जीवन दो तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो अजो कितने गया सरकार का नारा कितने चले गया सरकार दियाँ कि इत्थे आके सारा कुछ ही फेल आ क्योंकि साड़ी सोच जो है ना सोच बहुत मलीन हो चुकी आ। ये महाराज कहिंदे अविद्या है तकीन विवेक दी मलीन और महाराज कहिंदे कि ये मन माया के हाथ बकानो ये स्वार्थ दे विच मन जुड़ गया आ तो जदों तक ये स्वार्थ जिहदे अंदर आ जाए होम आ जाए विकार आ जाण तो फिर वो ना गुरु की मानता ना पीर की मानता वह नास्तक हो जाता उन्होंने ना रब का डर आ ना गुरुआ का डर आ ना किसी अपने धार्मिक आगू का डर आ क्योंकि वह कहना मैं तो मेरा मन जो मैं जो मेरे मन चाहिए वो करने क्योंकि उन्होंने अंदर दहशत मतलब इन्नी अंदर उन्होंने उन्होंने विकारा की पैदा हो जाती है वो पाप करने का डरता ही नहीं देखता मेरी धी आ मेरी भैन आ मेरे समाज की जो बच्ची आ वो मेरा फर्ज बनता कि जिहड़े गुरु लोगों ने कहा भी लड़की ते बार नहीं करना जी लड़की ते बार नहीं करना जिहड़े सूरमे आ कभी बार नहीं करते जो कि गुरु लोगों का इतिहास पढ़ के देखो वो जिस वेले देवियां हुण महाभारत की देख लो भीष्म पितामह तीर नहीं चलाया आप तो जख्मी हो गया आप तो मौत दे मुँह उतर गया लेकिन वो तीर नहीं चलाया वो पूछा भी तू तीर क्यों नहीं चलाया कहिंदा मोहरे लड़की आ गई सी अज लड़कियां नाल की हो रहा जी अज वो धर्म कित्थे गया अज वो जिस धर्म नूं असीं लै के इस पृथ्वी ते चलते फिरते हाँ वो धर्म साडा कित्थे चल गया जिन्हें देवियां असीं कहिंदे भी कंजका होना मोहरे नवराते आ रहे हैं तो घर चो देवियां छोटी छोटियां लिया के मत्थे टेकते अपने गुनाह जिहड़े बख्शाउंदे आ तो वो अज जे जिन्होंने इस तरह के गुनाह करते वो बख्शे जाएंगे उन्होंने सुरत कौन उन्होंने कौन संभालूगा उन्होंने कौन बदलेगा उन्होंने सोच कौन बदलेगा इस करके साडे भारत के अंदर सब तो ज़्यादा जो ये घरौनिया हरकत हो रही और जिन्हें भी जिन्हों कहते दरिंदे पैदा हो रहे हैं जोड़े नौजवान बच्चे आ महापुरुष कहते होंगे कि धियां नालों मुंडिया नालों बच्चियां चंगियां बच्चियां वो माता पिता का आदर कर दियां और माता पिता की आग्ञा च रहिंदियां सारे जिथे जांदियां उत्थे जाके अपना सत्कार वधाउंदियां नमस्कार करदियां मुंडे जिन्ने आ अजकल गुमराह हो रहे जिन्हां नूं अजे पता ही नहीं कि साडा धर्म की आ साडे गुरु कौन आ साडा असीं करना की आ तो अज ये सारियां जिहड़ियां जिहड़ा विद्या नहीं पढ़दे जिन्हां दी सोच नहीं बदली
ਉਹ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੁੜੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਕਮਾਉ ਦਸਵੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ CBSE ਆ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦਾ CBSE ਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ CBSE ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ CBSE ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਚਪਨ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੋ ਮਤਲਬ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਦਿਆ CBSE ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਚੂੜੋਵਾਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋ 500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕੂਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਾ 7000 ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜੀ ਪਰ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬਹੁਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਲੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਗੁਰੂਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ 40 ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਤਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ TV ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਕ TV ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਤਕ TV ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਕਮਲ ਤੱਲਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਦੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਤਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ TV ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਬੱਬੂ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਛੋਟੇ ਭੀਮ ਜੀ ਭੈਣ ਰੇਖਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵ ਜੋ ਹੈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਲਗਾਓਗੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ